Hello dear friends and students, welcome again to the subject engineering drawing. Continuing the same problems from the plane scales, you can see here the statement of a problem which is construct a scale of 1:5 to show decimeter and centimeter and to read up to 1 meter, show length of 7.6 decimeter on it. तो जिस तरह आपको पता है कि हम लेंथ ऑफ स्केल लेते हैं इस पे ये सारा काम उसी के लिए हम करते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम फॉलो करते हैं. तो आ जाते हैं इसकी तरफ कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं इसके लिए. तो फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. ये मेरे पास आ जाएंगे फर्स्ट नंबर पे जो गिवन है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो कि है 1:5. और दूसरा हमारे पास गिवन है यूनिट्स. कौन कौन सी यूनिट्स हैं? यूनिट में डेसीमीटर्स हैं और सेंटीमीटर्स हैं. तो मैं लिख लेता हूँ डीएम और सीएम. यहाँ पे इसी के साथ ही लेंथ ऑफ स्केल निकालना है. लेकिन इससे पहले हमारे पास है मैक्सिमम जो लेंथ है ये है 1 मीटर जो के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के. इसी पे मैंने इसी से लेंथ ऑफ द स्केल निकालनी है. तो एल ओ एस इज इक्वल टू यानी लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ इन टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यानी मैक्सिमम लेंथ है 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है 1/5. इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 20 सेंटीमीटर है. तो मतलब ये है कि ये जो लेंथ ऑफ स्केल है ये 20 सेंटीमीटर होगी. इसको मैं कर लेता हूँ ड्रा. चूँकि मेरे पास स्पेस कम अवेलेबल है पेज पे, तो इसको मैं 2 times कम कर लेता हूँ ताकि इस पे मेरे पास आ जाए. यहाँ पे 20 है तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे 10. तो इसको आप देख सकते हैं सिंपल से प्रॉब्लम्स हैं. तो ये 0 से शुरू होके 10 तक, सही है. इसको आप इधर से थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड भी कर सकते हैं. इधर से मैं कर लेता हूँ 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊपर की तरफ और 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर की तरफ. अभी इनको मिला लेते हैं इस तरह और इसको डिवाइड करता हूँ मैं 1 सेंटीमीटर पे ताकि मेरे पास 10 इक्वल पार्ट्स इसके आ जाए. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9. इसमें आप देख लें ये है भाई. इसको इधर में मिला लेता हूँ, इसको यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा. अगर आप इसको मिलाते नहीं हैं तब भी ठीक है, मिलाते हैं तब भी ठीक है. यहाँ पे ये इसको मैं इधर मिला लेता हूँ, ये आ जाएगा यहाँ पे और ये इधर आ जाएगा, साथ ये इधर आ जाएगा. कंटिन्यूइंग द सेम प्रोसेस तो ये आ जाएगा. इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 decimeters हो गए और यहाँ पे हो जाएंगे 10 centimeters. मीन के 2, 4, 6, 8 और 10 centimeters. तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मैं लिख लेता हूँ 1/5. यहाँ पे यूनिट्स गिवन है डेसीमीटर्स में तो इसके साथ मैं लिख लेता हूँ डेसीमीटर्स और लेफ्ट पे लिख लेता हूँ इसके साथ सेंटीमीटर्स. अभी फॉर एग्जांपल मैं इस पे शो करना चाहता हूँ 5.2468. इस पे मैं शो करना चाहता हूँ 5.4. तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 के लिए ये लाइन और 4 के लिए ऊपर. तो इस तरह 5.4
डीसी मीटर इस पे मैं शो कर सकता हूँ। उम्मीद है कि यहाँ तक के इस प्रॉब्लम की आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।